हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद यर स्वरूप। फ्रेंड्स, आज के एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे लुकअप फंक्शन के बारे में। ये आपके पास एक डाटा है और ये डाटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये किसी कंपनी का डाटा है। अगर आपको इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे लुकअप फंक्शन के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। ये डेटा अभी बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डेटा से इसको कंपेयर करें तो कंपनी का एक बहुत लंबा डाटा हो सकता है। अब उस डेटा में से अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी के नेम से उसका एड्रेस या उसकी सैलरी सर्च करो, तो आप कैसे सर्च करेंगे? तो उसके लिए देखिए, एक आसान सा तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे लुकअप फंक्शन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। नेम लिखने से पहले एक चीज में जरूरी है कि आप जब भी लुकअप फंक्शन यूज करें तो उससे पहले आपने क्या कर लेना है कि अपने, जैसे आपने यहाँ पे नेम से सर्च करना है, तो आपने क्या करना है कि नेम वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने आना है सॉर्ट एंड फिल्टर पर। ओके, यहाँ पे आएंगे और यहाँ देखिए दे रहा है सॉर्ट ए टू जेड, तो इसको हमने कर लेना है सॉर्ट ए टू जेड। इससे क्या होगा कि हमारे जो ए से जो नेम होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और साथ में उसका पूरा डेटा भी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। अभी हमारा देखिए ए से लेके जेड के फॉर्मेट में सॉर्ट हो चुका है। ओके, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एक नाम टाइप कर लेते हैं। ओके, अब एड्रेस वाले में हमने लगाना है लुकअप फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे लुकअप फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो गई, हम नेम के थ्रू एड्रेस सर्च करना चाहते हैं, तो ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर मतलब ये हमारा जो एरिया है, इस एरिया को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब क्या कह रहा है, रिजल्ट वेक्टर, मतलब हमें कौन से वाले कॉलम से रिजल्ट लेना है। हमें यहाँ क्या चाहिए, एड्रेस। हम क्या करेंगे, एड्रेस वाले कॉलम को पूरा क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भानु जो है इनका एड्रेस हमारा दिल्ली है। ओके, तो यहाँ पे कोई नेम चेंज करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अजय कर देते हैं। तो अजय का एड्रेस देखिए, वहां पे गाजियाबाद है। देखिए जैसे यहाँ से कर्सर हटाऊंगा, देखिए जैसे हमने यहाँ से कर्सर हटाया, यहाँ पे अजय का एड्रेस लिख के आ गया। अब ऐसे हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे सैलरी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, लुकअप फंक्शन लगाएंगे। फिर से आप लुकअप वैल्यू क्या है, हमें नेम के थ्रू चाहिए, तो हमारा लुकअप वैल्यू हो गया ये सेल हो गया कॉमा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर वापस क्या करेंगे, अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, रिजल्ट वेक्टर। अब अभी हमें एड्रेस चाहिए था, तो हमने एड्रेस वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट किया था। अब हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि अजय जो है उनकी सैलरी यहाँ पे 20,000 है। अब यहाँ पे चलिए कोई दूसरा नाम लिख देते हैं, मनीष। हमने यहाँ पे मनीष लिखा, अब आप देखिए यहाँ पे मनीष कहाँ पे, ये है मनीष। अब मनीष जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी सैलरी 25,000। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए मनीष की यहाँ पे लोकेशन क्या आ रही है, दिल्ली, और इनकी सैलरी क्या आ रही है, 25,000। अब इसको अगर आपने थोड़ा सा इजी बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वाले सेल में अपना कर्सर रखेंगे और अब हम जाएंगे डेटा में और यहां से हम क्या यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के ऊपर पहले हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार उसे जाकर चेक कर लेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिस्ट कर देंगे। ओके, अब क्या कह रहा है, सोर्स। सोर्स में हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे और हम अपने सोर्स में क्या कर लेंगे, इस पूरे डेट इसमें क्या करेंगे, पूरे नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या कर देंगे, ओके। अब देखिए जैसे हमने ओके किया, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन बन के आ गया। अब यहाँ से देखिए, आप जितने भी आपके पास एम्प्लॉई है यहाँ पे उनके नेम से आ गया। अब यहाँ देखिए, हमने जैसे यहाँ पे निर्मल सेलेक्ट किया, निर्मल का एड्रेस और निर्मल की सैलरी यहाँ पे आ गई। अब ऐसे आपका चाहे जितने लंबा यहाँ पे जितना भी लंबा डाटा हो, जैसे आप देखिए धर्मेंद्र का चेक करना, धर्मेंद्र को सिलेक्ट किया, धर्मेंद्र का एड्रेस और सैलरी आ गया। ओके, ये तो हुआ सेम सीट में लुकअप फंक्शन को यूज करने का तरीका। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास एक सीट में पूरा डेटा है और आपसे दूसरे सीट पे बोला जाता है कि इस सीट पे आप ये पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करके दिखाइए,
तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए ये हमारा सीट वन है, सीट टू में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम एड्रेस और सैलरी हमसे बोला गया एक्सेस करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए नेम हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा, एड्रेस में जाएंगे इक्वल लुकअप। ओके, सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, नेम होगी कॉमा लुकअप वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, सीट वन पे जाएंगे और यहां से अपने डेटा को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट करने के बाद वापस सीट टू पर आएंगे हम। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है, सीट टू का डाटा ये सिलेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन हमारा डाटा है कि इस पे सीट वन पे, इसको हम एडिट करके वन कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारे सीट वन पे है, इसको क्या कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वापस सीट टू पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी वापस यहाँ पे सीट टू दिखा रहा है, इसको हमने क्या कर देना है, सीट वन कर देना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। गिरीश का एड्रेस आ रहा है अलीगढ़, एक बार चलिए इसको चेक कर लेते हैं, सीट वन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे गिरीश का नाम है 6 नंबर रो पर और इनका एड्रेस आ रहा है अलीगढ़। सेम ऐसे ही अब हमें अगर यहाँ पे उनकी सैलरी निकालनी है, तो सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू ये हो गई कॉमा लुकअप फैक्टर, क्या करेंगे सीट वन में जाएंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वापस हमने क्या करना पड़ेगा, एक बार सीट के नेम को रीनेम करना पड़ेगा, कॉमा रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर हमें सैलरी चाहिए, हम क्या करेंगे सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सीट टू में आएंगे, यहाँ पे भी हमें सीट को रीनेम करना होगा, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। गिरीश की सैलरी 45,000 यहाँ पे शो कर रही है। अब एक बार चल के देख लेते हैं, ये है गिरीश और इनकी सैलरी आप देख सकते हैं 45,000 शो हो रही है। तो पहले हमने सीखा कि सेम सीट पर कोई डाटा है और उस डाटा में से हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। फिर हमने सीखा कि एक ही सीट के अंदर, एक ही वर्क सीट के अंदर अलग अलग सीट्स पर अगर डाटा हमें फेच करना है, डेटा को हमें सर्च करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारी एक सीट पर कोई डेटा है और उसकी वैल्यू हमें किसी दूसरे सीट में चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारी सीट है, इसमें हमारा डाटा है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक सीट और ओपन कर रखा और उसको चलिए यहां से हम इसके साइड में ओपन कर लेते हैं। ये आ गई हमारी दूसरी सीट, आप देख सकते हैं इस सीट का नाम यहाँ पे देखिए लुकअप फंक्शन प्रैक्टिस फाइल है और इस सीट का नाम है न्यू, मतलब ये दूसरी सीट। अब हमें यहाँ पे इस सीट से डाटा को सर्च करना है। ओके, अब यहाँ देखिये नेम में पहले से हमने नेम लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे डिपार्टमेंट में आएंगे, यहाँ पे एक बार टाइप करेंगे लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा नेम है, कॉमा प्रेस करेंगे। अब क्या कह रहा है लुकअप फैक्टर, तो लुकअप फैक्टर हमारे इस सीट में है, इस सीट पे आ जाएंगे और डेटा को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, कॉमा, अब क्या कह रहा है रिजल्ट फैक्टर, हमें क्या चाहिए डिपार्टमेंट चाहिए, हम क्या करेंगे डिपार्टमेंट को भी सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं कि फैज का डिपार्टमेंट यहाँ पे सुपरवाइजर शो कर रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए ये हमारी सीट है जिसमें डेटा है, यहाँ पे फैज का डिपार्टमेंट क्या शो कर रहा है, सुपरवाइजर। चलिए यहाँ पे एक बार नेम को चेंज करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं, यहाँ पे कर देते हैं संजय। देखिए जैसे हमने यहाँ पे संजय किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संजय का डिपार्टमेंट एचआर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी संजय का डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, एचआर आ गया। ऐसे सेम अगर हमें एड्रेस फैच करना है, तो एड्रेस के लिए क्या करेंगे इक्वल लुकअप फंक्शन, वैल्यू हमारी यहां से लेंगे, लुकअप फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे फिर से इस वाली सीट पर आएंगे, पूरे डेटा को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें क्या चाहिए एड्रेस, तो एड्रेस वाले कॉलम को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि संजय का एड्रेस यहाँ पे अलीगढ़ शो कर रहा है, तो ये है हमारे संजय जी और संजय जी का एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे अलीगढ़ शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आपका एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप फंक्शन। इसमें हमने तीन चीजों के बारे में जाना, अगर हमारी सेम सीट पर डेटा है और सेम सीट पर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमने ये जाना कि एक वर्कशीट के अंदर अगर अलग अलग सीट पर कोई डेटा है तो उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। और तीसरा हमने जाना कि किसी एक सीट के डेटा को किसी दूसरी सीट पे, किसी अलग सीट पे अगर डेटा को सर्च करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर बने रहो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।